सर 26 जनवरी का बहुत सम्मान करते हैं, अब भी है ये लोग नहीं करते सम्मान। इनका कहना है कि झांकियां देखने को 26 जनवरी कहते हैं, हम कहते हैं जी झांकियां देखने को 26 जनवरी नहीं कहते, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का राज, जनता का राज लेके आओ, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। ये लोग कह रहे हैं हमने संविधान खत्म कर दिया, संविधान तो इन्होंने खत्म कर दिया, कहाँ है दिल्ली के अंदर राइट टू लाइफ? अगर लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अगर जिंदा जलाया जा रहा है, अगर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर उनको धकेला, कहाँ है राइट टू लाइफ? इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इनके लिए संविधान का मतलब है भाई हम बंद कमरे में बैठे हैं अपने एयर कंडीशन कमरे में, कोई मत आना हमारे को तंग करने के लिए, इनका मतलब ये रह गया संविधान का। हम जहां बैठे हैं ये जगह हमने तो चुनी नहीं, हमने तो कहीं नहीं कहा था कि हम रेल भवन के पास जाके बैठने वाले हैं। पुलिस ने जहां हमें रोका, आगे जाने से मना कर दिया, हम वहीं पे बैठ गए। पुलिस ने समझदारी से काम किया होगा, पुलिस ने जरूर अपने ऊपर वाले आकाओं से पूछ लिया होगा ये करने से पहले, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। आज इन्होंने गणतंत्र दिन का पूरा अपमान किया है, उसको झांकियों का जुलूस कह के उन्होंने कहा गणतंत्र क्या होता है, परेड क्या होती है, परेड तो झांकियों का जुलूस है। ये जो पूरा नाटक चल रहा है ये कांग्रेस का साझा हुआ ये मिलीभगत का नाटक है, क्योंकि शीला दीक्षित के और मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के लोग सवाल पूछने लगे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार चुप क्यों है, और उससे ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, ये दोनों ने मिलकर नाटक रचा है और इसका एग्जिट प्लान भी उनका तैयार है।